हेलो फ्रेंड्स, आपका यहडी ट्यूटोरियल चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर टॉप 10 क्वेश्चन आंसर, जो जुलाई जनवरी से जुलाई के बीच का होगा। इसमें जो है राजनीति, खेल, आर्थिक, पुरस्कार सम्मान, सामाजिक, सभी क्षेत्रों से प्रश्न होंगे। ये इसका चौथा पार्ट है और इसके पहले का तीन पार्ट आप जो है प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, जो आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न होगा, पृथ्वी दिवस 2020 का थीम क्या है? ये क्या है, गलत प्रिंट हो गया है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए है प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज, बी है जलवायु कार्रवाई, क्लाइमेट एक्शन, सी है पर्यावरण कार्रवाई, डी है बी तथा सी दोनों। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जलवायु कार्रवाई है। ठीक है, पृथ्वी दिवस 2020 का थीम क्लाइमेट एक्शन अर्थात जलवायु कार्रवाई है, और प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज जो था ये 2019 का थीम था पृथ्वी दिवस का। ठीक है, और इसमें पूछा जाता है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और 22 अप्रैल को जो है 22 अप्रैल को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होता है। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो है शरद ऋतु होता है। ठीक है, इसी दिन जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और इसकी स्थापना जो हुई थी अमेरिकी सीनेटर जेराल्ड नेल्सन के द्वारा किया गया था 1970 में, एक पर्यावरण शिक्षा के रूप में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अब तक कुल जो है 192 देशों में पृथ्वी दिवस मनाए जाने का प्रचलन चल चुका है। ठीक है, और ये जो 2020 का पृथ्वी दिवस है ये इसकी जो है 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। ठीक है, 50वीं वर्षगांठ इसकी ये थी और मनाई गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छी तरीके से सभी पॉइंट्स को देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA को कब लागू किया? ऑप्शन नंबर ए है 10 जनवरी 2020, बी है 11 जनवरी 2020, सी है 1 मार्च 2020, और डी है 1 जुलाई 2020। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 10 जनवरी 2020 को जो है भारत में CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम को जो है लागू कर दिया गया। ठीक है, भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिक कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गई है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को जो है भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकेगी। ठीक है, इस विधेयक में जो है भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवश्यक 11 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में जो है ढील देते हुए इस अवधि को केवल जो है 5 वर्ष तक भारत में रहने की जो है शर्त के रूप में बदल दिया गया है। ठीक है, अब जो है ये 5 वर्ष के लिए हो गया है, पहले 11 वर्ष का था, अब अगर 5 वर्ष भारत में रहते हैं तो जो है वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और ये भी प्रश्न पूछेगा कि लोकसभा में ये बिल कब पारित हुआ था? तो लोकसभा में 10 दिसंबर 2019 को। ठीक है, और राज्यसभा में 11 दिसंबर। ठीक है, 11 दिसंबर को, और राष्ट्रपति जो है इस पे कब हस्ताक्षर किए थे? तो 12 दिसंबर को हस्ताक्षर किए थे, और जो है 10 जनवरी 2020 को लागू हो गया था। ठीक है, इन सभी पॉइंट्स को याद कर लीजिएगा। लोकसभा में 10 दिसंबर को, 11 दिसंबर को जो है राज्यसभा में, और 12 दिसंबर को जो है राष्ट्रपति जो है इस पर हस्ताक्षर किए, और 10 जनवरी 2020 से पूरे देश में जो है ये लागू हो गया था। ठीक है, और CAA का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है, तो हो जाएगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, DEFEXPO 2020 का 11वां संकरण कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है नई दिल्ली, बी है बंगलौर, सी है लखनऊ, डी है चेन्नई। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। ठीक है, और DEFEXPO जो होता है ये डिफेंस एक्सपीओ है, डिफेंस एक्सपो है। ठीक है, और इसका 11वां संस्करण जो है लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है किया गया। ये जो है एक विशाल रक्षा प्रदर्शनी था। इसमें जो है 40 देशों के रक्षा मंत्री इसमें भाग लिए थे, और सभी जो है सैन्य ताकत का यहाँ जो है प्रदर्शन किया गया। और ये जो है 5 से 8 फरवरी के बीच में
5 से 8 फरवरी के बीच में लखनऊ में जो है आयोजित किया गया। ठीक है, इसका थीम था रक्षा विनिर्माण का उभरता हुआ हब। रक्षा विनिर्माण का उभरता हुआ हब, इसको इंग्लिश में अगर देखते हैं तो इंडिया द इमेजिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। ठीक है, ये इसका जो है थीम था। सभी पॉइंट्स को जो है याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में स्पोर्ट अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए है रोहित शर्मा, बी है एबी डिविलियर्स, सी है ब्रेटली, डी है सचिन तेंदुलकर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, स्पोर्ट अड्डा के जो नए ब्रांड एम्बेसडर हैं वो ब्रेटली बने हैं। और स्पोर्ट अड्डा जो है यह एक भारतीय समाचार और सूचना का प्लेटफार्म है। ठीक है, इस पर क्रिकेट से रिलेटेड, फुटबॉल से रिलेटेड और कबड्डी से रिलेटेड जो है न्यूज आते रहते हैं। ठीक है, तो इसके जो नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो ब्रेटली, और ब्रेटली जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। और ब्रांड एम्बेसडर का अर्थ जान लीजिए, ब्रांड एम्बेसडर मतलब किसी ब्रांड का, मतलब किसी फैक्ट्री का जो ऐड होता है उसको जो है उसके जो मतलब संचालक होते हैं उसको समाज में प्रचार प्रसार के लिए जो है उसका बढ़ावा देने के लिए जो है किसी भी व्यक्ति को इस पर अपना जो है ऐड कराते हैं, और इसके थ्रू जो है पूरे देश में इसका प्रचार प्रसार होता है। ठीक है, और कभी कभी एम्बेसडर पूछता है, तो एम्बेसडर जो होते हैं वो किसी देश के, जैसे मान लीजिए किसी देश में नियुक्त किए जाते हैं। जैसे हम अपने देश में रहते हैं, जिस प्रदेश में रहते हैं, तो हमारी कानूनी कागजी कार्रवाई कोई की देख रेख जो नगर पालिका करती है, उसी तरह अगर हम विदेश में कहीं जाते हैं तो वहाँ पर हमारे कागजों का देख रेख और भी जो भी प्रक्रिया रहती है वहाँ पर जो है एम्बेसडर करते हैं। ठीक है, और इसमें एक और होता है, एम्बेसडर होता है और जो होते हैं राजदूत, वही उसी को मतलब राजदूत भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, 2020 में कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए है 140, बी है 141, सी है 142, डी है 143। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 141। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। ठीक है, पद्म भूषण ये जो है भारत का तीसरे नंबर का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, भारत में चार प्रकार के सम्मान दिए जाते हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, ये चार प्रकार के होते हैं। तो ये जो पद्म पुरस्कार है, पद्म भूषण है, वो तीसरे नंबर का है, तीसरे नंबर का सर्वोच्च सम्मान है। और 2020 में इसमें जो है 141 लोगों को जो है दिया जाएगा। ठीक है, अगर पद्म विभूषण पूछे, पद्म विभूषण जो दूसरे नंबर का सम्मान है, तो उसमें जो है 7 लोगों को दिया गया है। ठीक है, 7 लोगों को दिया गया है, जिसमें 3 लोगों को जो है मरणोपरांत दिया गया है। अरुण जेटली हैं और सुषमा स्वराज हैं, और एक जॉर्ज फर्नांडिस हैं जो बिहार से संबंधित थे लोक आयोग से। ठीक है, इन 3 लोगों को जो है पद्म विभूषण मरणोपरांत दिया गया है। और इसमें पूछ रहा है पद्म विभूषण यानी पद्म पुरस्कार से, तो जो है 141 लोगों को जो है दिया गया है। सभी पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न है, जम्मू कश्मीर को राज्य से कितनी केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था, अब 2 केंद्र शासित प्रदेशों में दिया गया है, पहला जम्मू कश्मीर और दूसरा जो है लद्दाख। ठीक है, और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित में के जो पहले उपराज्यपाल हैं तो गिरीश चंद्र मुर्मू होंगे। ठीक है, और जो लद्दाख के हैं, ठीक है, वो राधा कृष्ण माथुर हैं, यहाँ के उपराज्यपाल, पहले उपराज्यपाल। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। और लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है बन गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, तो वो जो है लद्दाख बन गया है। और सबसे छोटा अगर पूछेगा तो लक्षद्वीप है। ठीक है, लक्षद्वीप जो है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जो है जनसंख्या की दृष्टि से भी। और जनसंख्या की दृष्टि में जो है सबसे बड़ा दिल्ली है। ठीक है, पहले 29 राज्य थे, अब 28 राज्य थे। पहले 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब जो है वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो है
केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर का जो उपराज्यपाल है पहला, याद रखिएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू है, और लद्दाख के जो हैं वो राधा कृष्ण माथुर हैं, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां प्रश्न है, हाल ही में ASIS सेकेंड नामक सैन्य संचार उपग्रह को स्पेस एक्स द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, इसका संबंध किस देश से है? तो सही उत्तर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, दक्षिण कोरिया, ठीक है। हाल ही में स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया के लिए ASIS सेकेंड नामक सैन्य संचार उपग्रह जो है लॉन्च किया है। यह दक्षिण कोरिया का पहला मिलिट्री सेटेलाइट है, ठीक है। और ASIS सेकेंड को जो है फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए जो है अमेरिका के फ्लोरिडा के कैंप कैनवरल एयरफोर्स स्टेशन से जो है इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। इस उपग्रह की लॉन्चिंग से के साथ ही दक्षिण कोरिया दुनिया के ऐसे 10 देशों में जो है शामिल हो गया है जिसके पास सैन्य संचार उपग्रह है, ठीक है। यह इसका जो है पहला उपग्रह था, ठीक है, इसलिए जो है इसको याद रखिएगा। इस उपग्रह से दक्षिण कोरिया को उसकी सैन्य स्वतंत्र परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने में मदद मिलेगी, ठीक है। इन सारे पॉइंट को याद रखिएगा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये दक्षिण कोरिया का जो है ये पहला मिलिट्री सैटेलाइट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, आठवां प्रश्न है, AIBA विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन नंबर ए है रूस, बी है दक्षिण कोरिया, सी है चीन, डी है भारत। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रूस, ठीक है। ये AIBA जो है इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, ठीक है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, ठीक है। इसकी मेजबानी जो करेगा विश्व कप की 2020 की वो रूस करेगा, ठीक है। और रूस की राजधानी अगर पूछे तो मॉस्को है, ठीक है, रूस की राजधानी जो है मॉस्को है, और यहाँ का जो करेंसी है वो रूपल है। ये बहुत पूछता है करेंसी यहाँ की, तो यहाँ की करेंसी जो है रूपल है, और राजधानी रूस की जो है वो मॉस्को है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे IIFL का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है ब्रेटली, बी है क्रिस गेल, सी है रोहित शर्मा, डी है विराट कोहली। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रोहित शर्मा को, ठीक है। IIFL जो है इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड, इसका पूरा नाम हो जाएगा इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड, ठीक है। इसके संस्थापक जो हैं निर्मल जैन हैं, और इसके वर्तमान अध्यक्ष जो हैं बालाजी वासुदेवन जी हैं, और इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है, ठीक है, उसका मुख्यालय मुंबई है। इसको जो है तीन पॉइंट्स को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आज का अगला और दसवां अंतिम प्रश्न होगा, दसवां, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले को टेराकोटा GI टैग मिला है? ठीक है, GI टैग मिला है। ऑप्शन नंबर ए गोरखपुर, बी है लखनऊ, सी है फैजाबाद, डी है पीलीभीत। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर को, ठीक है। गोरखपुर में जो है, गोरखपुर जिले को जो है GI टैग मिला है टेराकोटा के क्षेत्र से। टेराकोटा जो है वो जिसे इतावली भाषा में पकी मिट्टी कहते हैं, ठीक है, टेराकोटा को जो इतावली भाषा जो है उसमें जो इसको पकी मिट्टी कहते हैं। और टेराकोटा जो है मिट्टी की मूर्तियां बनाने की एक कला है। मिट्टी के बर्तन, दीपक, मटकी, साजो सामान और रखरखाव के जो है साधन इससे बनाए जाते हैं, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, ये रहे आपके 10 प्रश्न। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।